क्वेश्चन काफी बच्चे डाउट में लेके आते हैं। इट्स वेरी बहुत छोटा सा है बट बहुत क्यूट है और बहुत पजलिंग वाला है। ठीक है ना? इसका जब भी मेरे पास बच्चे डाउट लेके आते हैं वो बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए, बट सच बात है कि फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है? तो यह है छोटा पर है बहुत खतरनाक। ठीक है? खतरनाक नहीं है बट थोड़ा सा समझ की फेर है। कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी या मास एम ट्रेवलिंग विद डिस्टेंस डी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। समझना इस क्वेश्चन को। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, यू इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी यहाँ पे भी हो जाएगी रेस्ट अंडर डायरेक्शन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स। हमेशा एक कॉन्स्टेंट फोर्स एफ लग रहा है इस पे। ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर देखोगे, डायरेक्ट फार्मूला देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसलिए बच्चे फर्स्ट ऑप्शन सही कर देते हैं। बट फर्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम, ये बात सही है जब स्पीड कॉन्स्टेंट हो, जब स्पीड कांस्टेंट हो। यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं है भैया, यहाँ बिलो स्पीड जीरो था और यहाँ स्पीड भी हो गया, तो स्पीड वेरिएबल है इसलिए इस प्रोपोर्शनलिटी में नहीं लिख सकता, गलत है। इसका मतलब ये हुआ जो कांस्टेंट है उसके टर्म में काइनेटिक एनर्जी को लिखो। तो काइनेटिक एनर्जी का डी एक डिस्प्लेसमेंट डी हो गया और एक कांस्टेंट फोर्स एफ लग गया और यहाँ वेलोसिटी भी हो गया, तो वेलोसिटी भी को एफ और डी कांस्टेंट टर्म में लिख दो इस टाइम। ठीक है? चलो, तो कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा, वेलोसिटी थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा दो, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ठीक है? तो वी स्क्वायर की वेलोसिटी आ जाएगी टू एक्सलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास और डिस्प्लेसमेंट डी हो गया, दैट इज द वी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी को अब मैं लिख सकता हूँ हाफ मास ऑफ द बॉडी और वी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा टू एफ डी अपान मास। ठीक है? तो मास ने मास को, टू ने टू को, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से आई थी, वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो एफ डी है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास पे इंडिपेंडेंट है इसमें। ठीक है? काइनेटिक एनर्जी ये, दैट इज बी ऑप्शन सही है। इंडिपेंडेंट को ऐसे ही लिखते हैं ना। चलो।